इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आज आप समाचार न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं कि आज का जो ईरा है वो क्या कह रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का ईरा। तो एआई का ईरा यानी कि उसी का प्रूफ हम क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल का मतलब होता है जो मैन मेड होता है, जिसे बनाया जाता है, वो गॉड मेड नहीं होता है। जो नेचुरल होता है वो गॉड मेड होता है। अब देखिए यहाँ, इवर सिंस मशीन वर इन्वेंटेड साइंटिस्ट हैव ड्रीम टू मेकिंग देम लर्न एंड परफॉर्म इंटेलिजेंट टेस्ट लाइक ह्यूमन। क्या बोल रहा है कि एवर सिंस, मतलब कि जब से मशीन वर इन्वेंटेड, जब से मशीन को इन्वेंट किया गया है, जब से मशीन बनाया गया है, साइंटिस्ट हैव ड्रीम, साइंटिस्ट एक ड्रीम देख रहे थे, सपने देख रहे थे कि ऑफ मेकिंग देम लर्न एंड परफॉर्म इंटेलिजेंट टेस्ट लाइक ह्यूमन। साइंटिस्ट यह कोशिश कर रहे थे ऐसा मशीन बनाने का जो ह्यूमन के जैसा लर्न कर सके, परफॉर्म कर सके। तो इंटेलिजेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ ब्रांड ऑफ साइंस। क्या बोल रहा है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो क्या है, साइंस का ब्रांड है। क्या क्या ब्रांड है इसमें, साइंस और मशीन का कॉम्बिनेशन है, साइंस और मशीन का क्या है, कॉम्बिनेशन है, ब्रांड ऑफ साइंस। किसका ब्रांड है, साइंस का। दिस इज एम टू मेकिंग मशीन थिंक लाइक ह्यूमन, जो ये साइंस का ब्रांड है, जो वो मनुष्य जैसा सोचने का तरीका, मनुष्य कैसे सोचता है, वैसे मशीन को बनाया गया है। ठीक है, दीज मशीन्स आर कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेस देम एक्यूरेटली एट एन अमेजिंग स्पीड। बोल रहे हैं दीज मशीन, जो ये मशीन होते हैं, आर कंप्यूटर, मशीन या फिर कंप्यूटर, कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या बोल रहा है, जो ये मशीन होते हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले जो मशीन होते हैं या फिर कंप्यूटर होते हैं, वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, एंड एक्यूरेटली मतलब एकदम सही सही से उसको प्रोसेस करते हैं, और बहुत ही तेजी से, बहुत ही स्पीड से उस पर कार्य करते हैं, बहुत ही स्पीड से वो बढ़ते हैं। जैसे अगर कोई एआई का कोई प्रोग्राम है, अगर आप उसे कोई वर्क देते हैं तो वो बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम समय में, बहुत ही जल्दी कोई कार्य करके देता है। ठीक है, व्हेन अ कंप्यूटर और रोबोट हैज टू पर हैज टू व्हेन अ कंप्यूटर और रोबोट हैज द पावर टू थिंक एंड मेक डिसीजन विदाउट एनी आउटसाइड इंस्ट्रक्शन, इट इज सेड टू हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर एआई। बोल रहे हैं कि व्हेन मतलब जब एक कंप्यूटर आर रोबोट, जो एक कंप्यूटर होता है, रोबोट होता है, जो हैज द पावर, उसके पास जब पावर आ जाता है टू थिंक, थिंक करने का, सोचने का, और मेक डिसीजन, स्वयं से डिसीजन लेने का, जब किसी मशीन के पास स्वयं से सोचने का और स्वयं से डिसीजन लेने का, जब जब विदाउट एनी आउटसाइड, जब तक वो किसी बाहरी आउटसाइड से बिना इंफॉर्मेशन लिए, बिना परमिशन लिए, बिना किसी इंस्ट्रक्शन के, जब वो स्वयं सारी कार्य कर लेता है, थिंक भी करता है और परफॉर्म भी करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसे शॉर्ट फॉर्म में एआई बोला जाता है, उसे क्या बोला जाता है, एआई। ठीक है, तो इस तरह आप पढ़िए, स्पेलिंग पढ़िए, स्पेलिंग को पढ़ना सीखिए और मजे लेके पढ़िए। ठीक है।